वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज़ द कवनीर अकेडमी। नेम इज़ कवनीर अकेडमी एंड वी आर गोइंग थ्रू द क्लास 9th, द चैप्टर 3rd। फर्स्ट इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 3rd दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.2। बिफोर दैट वी हैव डन सम एग्जाम्पल्स एंड इंट्रोडक्शन and now we are going to start with exercise 3.2. exercise 3.1 contains only two sums that are not according to the syllabus of your class 9, so that are not that much important, so we are not going to do that. These are the questions that basically come in your final exams, so these type of questions are mandatory to do. So first of all, we have first question: write the answer of each of the following questions in the one mark questions. We have these type of questions. Other than the MCQs, when there is a objective type question, then these type of questions are asked from this chapter. So first question: write the name. What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? Cartesian plane में हमारे पास horizontal और vertical, ये horizontal है, ये vertical, दो lines होती हैं, इनके names क्या होते हैं वो पूछ रहे हैं वो. तो मैंने आपको already बताया था first part का answer क्या होगा. हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम होता है एक्स एक्सिस और एंड वर्टिकल का नेम क्या होता है वाई एक्सिस. एक्स का एक्स एक्सिस नाम होता है, इसका वाई एक्सिस होता है, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. जो प्लेन, ये जो हमारा प्लेन है कार्टेशियन प्लेन, इन दोनों के क्रॉस होने से जो ये चार पार्ट बन गए हैं, इनका क्या नाम है? नेम ऑफ द ईच पार्ट फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, इनका क्या नाम होता है? जैसे क्या लिखते हैं हम इसको, लिखते हैं क्वाड्रेंट, या फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है. तो चारों 1, 2, 3, 4 लिखने की जरूरत नहीं, हम ईच पूरे का नाम क्या होता है, बस क्या कहते हैं इन सभी को, क्वाड्रेंट्स, ठीक है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द पॉइंट होता है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ. वैसे इनका कंबाइंड नेम क्या होगा? क्वाड्रेंट्स. थर्ड पार्ट में आ जाता है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. कौन सी दीज टू लाइंस? यही दो लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं? ओ पे. क्या होता है ये, इसका नाम क्या होता है? ओरिजिन. सिंपल से क्वेश्चंस है, पेपर में आ जाते हैं, एक नंबर में ये छोड़ने नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, उसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी सेकेंड क्वेश्चन के साथ, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए. तो ये है हमारा एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इसके 8 पार्ट्स हैं, यही है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम साथ में कर लेंगे, उसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है. दो पार्ट्स में ये खत्म हो गया. तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्रीन पॉज करके ये पूरा जो है बना लेना है, ये मैंने जो बनाया है और जो मैंने जो लिखा है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसका क्या आंसर होगा. आई होप ये आप पूरा इसका नोट कर लीजिए पहले. तो आई होप आपने ये स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिख लिया होगा, ठीक है. तो हम अभी इसका आंसर्स जो है, सभी आंसर्स जो है वो करते हैं. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, ठीक है. कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मतलब कि इस पॉइंट का एड्रेस पूछा है, ये यहाँ पे बी पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा बी पॉइंट, ठीक है. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कहाँ पे है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स से. ये एक्स, पहले एक्स वाला लिखते हैं, ये एक्स एक्स के देखिए कौन से पॉइंट से मैच हो रहा है, ये -5 से ऊपर जा रहा है यहाँ पर, और वाई के 2 से. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -5, 2. तो यहां पे लिखेंगे हम आंसर में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वी आर -5, 2. आंसर में ऐसे लिखना है, ओके. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट कहां पे वाले ढूंढो, ये रहा, ठीक है. एक्स वाला देखने वाले, एक्स वाले से 5 और वाई वाले के -5 से आ रहा, 5, -5 हुए. तो इसके हम यहां पे लिख देंगे 5, -5, ओके. नेक्स्ट आ गया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, 5. अब बताना है कौन सा पॉइंट है ये -3, 5. पहले देखो -3 कहाँ पे है, ये रहा -3, एक्स का -3, -5, ये रहा -5. तो कौन सा पॉइंट बना रहा है ये, पॉइंट ई बना रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई आंसर में, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, 5 इज ई, ओके. ऐसे ही 2, -4 से देखिए, ये रहा 2 और ये रहा -4, कहाँ पे मिल रहे हैं ये, जी पे.
सो जी इज द पॉइंट. अब पूछा उन्होंने द अब्सेसा ऑफ द पॉइंट डी. डी पॉइंट कहाँ पे, पहले देखो ये रहा डी. अब्सेसा मतलब क्या होता है, एक्स वाली वैल्यू ओनली. तो हम पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, कौन से पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, 6.2, 6 एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का 2. अब्सेसा पूछा, सो मतलब सिर्फ एक्स वाला पॉइंट पूछा है. अब्सेसा ऑफ द पॉइंट डी इज 6, आंसर एक्स वाला पॉइंट. ऐसे ही ऑर्डिनेट पूछा है तो कौन सा होता है, वाई वाला. एच का पूछा अभी, एच कहाँ पे है, ये एच -5, -3. तो ऑर्डिनेट पूछा है तो ये है ऑर्डिनेट, ठीक है. अब सिस्सा पूछा होता तो 5 -5 लिखते, अभी ऑर्डिनेट पूछा है तो क्या लिखेंगे, -3. ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल. एल पॉइंट कहाँ पे है, दो, ये रहा. L पॉइंट किसके ऊपर है, Y के ऊपर है. X की कोई वैल्यू भी नहीं है हमारे पास. X की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 0. Y की वैल्यू 5. जो जिस एक्सिस पे है उसकी वैल्यू लिख देंगे, कौन से पॉइंट पे है, दूसरे एक्सिस का नहीं पता चला तो 0.5. तो इसके क्या हो गए पॉइंट, 0.5. इसी तरह से M कहाँ पे है, ये रहा M. ये X एक्सिस के ऊपर है, कौन सा पॉइंट है, ये -3 वाले पॉइंट पे लगा हुआ है. ओके, तो इसके पॉइंट क्या होंगे, -3. एक्स एक्सिस की वैल्यू है, वाई की नहीं है, तो -3.0. तो इसके क्या हो गए पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -3.0. ठीक है. सो ऐसे ये हमने आइडेंटिफाई करने, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो, बट मोस्टली आता कौन सा है, प्लॉट करने वाला. सो जो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करना है, हमने करना है कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना है और उनके क्वाड्रेंट जहाँ कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है वो बताना होता है. तो ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, वो भी करेंगे हम. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी आती है एग्जांपल 4. बिफोर 3.3 एक्सरसाइज वी हैव वन एग्जांपल ओनली. इसमें क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई ऑन कार्टेशियन प्लेन. मतलब ये हमें पॉइंट्स बताए हुए हैं, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू ऊपर दी है सभी की और नीचे में सभी वाई की वैल्यू दी हुई है. ओके, तो पहला पॉइंट क्या बनता है, एक्स और वाई के -3.5 बनता है पहला, सॉरी 7, -3.7. ऐसे दूसरा पॉइंट बनाना है 0.-3.5, -1.-3, 4.4, 2.-3. ऐसे सभी पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे प्लॉट करने हैं. ठीक है, नाम हम अपनी मर्जी दे सकते हैं, देना चाहें, अदरवाइज नहीं भी देना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं. ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट -3.7. -3 कहाँ पे है, एक्स का, क्योंकि -3.7 है, एक्स की वैल्यू -3 कहाँ पे है, ये रही. और पॉजिटिव 7 का कहाँ पे है, ऊपर है. ठीक है, हमने ऊपर को जाना है. ठीक है, तो जिधर जाना होता है ना उधर को परपेंडिकुलर ऊपर को बनाते हैं. अगर हम दूसरा पॉइंट वाई वाला नीचे होता तो हम इसको नीचे को बनाते हैं. तो अभी हमने जाना है ऊपर को. सेवन तक अंदाज ले जाइए इसको. तो ये हमारा जो लिखा हुआ था उसके ऊपर आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं. -3.7 आ गया, हमारा पहला पॉइंट बन गया. ग्राफ पेपर पे हमने 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे ऑलरेडी बॉक्सेस बने होते हैं, तो हमने क्या करना है, जस्ट लाइंस बना के मार्किंग कर ले. और मार्किंग इस हिसाब से करनी, जितना हमारे पॉइंट्स मैक्सिमम या मिनिमम जा रहे हैं. एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक या वाई की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक जा रही थी, मैंने 7 तक बनाया. एक्स की वैल्यू पीछे जा रही थी -3 तक, चलो मैंने -4 तक बना लिया. आगे जा रही थी 4 तक, तो मैंने थोड़ा सा और बना लिया अगर जगह है हमारे पास. ऐसे ही वाई की वैल्यू मिनिमम कितनी जा रही है, -3 तक जा रही है या -3.5 तक जा रही है, तो नीचे मैंने -4 तक बना लिया. तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली आपने बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, ऐसे नहीं भी बहुत बड़ा बना दें. नीड हमारी अगर थोड़ी है तो थोड़ी बनाओ. ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेपर भी अगर हम कॉपी नोटबुक पे लगाना चाहते हैं तो कम से कम यूज़ हो, इसलिए उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपकी ज़रूरत है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया पॉइंट 0.-3.5. तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -3.5. अब हमारे पास जो होता है ना ग्राफ, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऐसे बना होता है, तो इसके बीच में लाइंस होती हैं ना, 1, 2, 3, 4. पांचवी लाइन थोड़ी सी डार्क होती है, ऐसे ही 6, 7, 8, 9 और 10वीं लाइन बड़ी वाली होती है और डार्क होती है. मतलब वो ये ऐसे 10 डिविजन्स होती हैं ना. अगर ये हमारा थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ है, तो ये बीच वाली जो एक डार्क सेमी डार्क आई थी ये वाली, तो ये क्या होगा, 3.5 होगा ना. ऐसे 10 पॉइंट्स होते हैं ना, 3.1, 3.2, ऐसे 3.4, 3.5, ये आ गया, ऐसे ही चलता है.
इनके जस्ट एग्जैक्ट बीच में एक सेमी डार्क लाइन होती है, वो क्या होगा आपका 0.3.5 माइनस का, माइनस थ्री यहाँ पे है तो 3.5 इसके बाद में आएगा। तो एक्स की वैल्यू ऑलरेडी जीरो थी, तो यही हमारा पॉइंट होगा 0, -3.5, ये हमारा पॉइंट बन गया। ओके नेक्स्ट पॉइंट है -1, -3। -1, -3 कहाँ पे, -1 कहाँ पे, ये रहा, और -3 ये रहा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट नाइन्थ -3 की तरफ, -1 से -3 की तरफ, और -3 से इधर इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया -3, -1, -3। ऐसे ही बनाना हमने 4, 4 और 2, -3। सो ये आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स 4, 4 और 2, -3 जो मैंने अभी ऐसे ड्रॉ किए। अगर पेपर में क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है, हमें पॉइंट्स प्लॉट करने की अगर ना कहा जाए, सीधा पूछा जाए कौन से क्वाड्रेंट में है, वो भी मैंने आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी। तो ये वाला प्लॉट तो हमने ऐसे किया, ये किया ना प्लॉट, पता चल रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर तो प्लॉट करने को बोल रहे हैं वो तो सिंपल है, हम सीधा देख लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में। अगर प्लॉट करने को नहीं बोला, सीधा ही बताना है, तो कैसे, मैंने बताया था अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव वाली दी हुई है उन्होंने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाली दी हुई है और वाई वाले नंबर की वैल्यू पॉजिटिव में दी हुई है तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दोनों वैल्यू नेगेटिव वाली हो तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर हमको बनाने को ना कहा जाए तो, अगर बनाने को कहा गया, बनाना भी है साइड में लिखना भी है फिर क्वाड्रेंट कौन से में है। ये वाला देखो 0, -3.5, मैंने बताया था अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए तो वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, वो कौन से एक्सिस पे लाई करता है वो देखना है। जो तो जीरो है वो तो नहीं देखना, कौन सी वैल्यू दी हुई है, वाई वाले पोर्शन की वैल्यू दी हुई है तो ये कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। ये वाला दोनों पॉइंट्स कुछ नंबर दिए हुए हैं, दोनों में जीरो नहीं है तो ये किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ होते, थर्ड में, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2, -3, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों दोनों में कोई भी जीरो नहीं है तो दैट मींस तभी ये किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ प्लॉट करने को बोला है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कौन से क्वाड्रेंट में पूछा जाता है अगर पेपर में आता है तो कैसे करना है, आपने प्लॉट किए बिना ही आंसर आप निकाल सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर प्लॉट करने को बोला है तो प्लॉट भी करना है और आंसर भी लिखना है, ठीक है। तो आप ये नोट कर दीजिए, एग्जांपल की मैंने पहले तीन पार्ट कर दिए, बाकी के दो पार्ट आपने खुद करने हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 3.3, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम बहुत बार कर चुके हैं, मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी करवाई थी, अब भी करवा दी है। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या करना है, वैसे तो पता चल ही रहा है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स बताए हुए हैं ये कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यही बताना है पहले यही बताना है। तो ये सब मैंने आपको बताया था, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव देखना है तो पहले देखो दोनों में से कोई नंबर जीरो तो नहीं है तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट पे, नेगेटिव पॉजिटिव किस कहाँ पे होता है, मतलब पहली वैल्यू नेगेटिव दूसरी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट जीरो है ना, तो कौन सा जीरो है, वाई वाला जीरो, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पता चल रहा है ना, ऐसे ही बाकी के देखने हैं। ओके और वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, बाद में हमने ग्राफ पे ये सारे पॉइंट ड्रॉ करके वेरीफाई करना है कि हमने जो जो क्वाड्रेंट या जो जो एक्सिस बताया इनके लिए क्या वो सही है, जब बनाएंगे पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वहां पे हम वेरीफाई बाद में करेंगे, पहले इनका बताना है कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पे लाई कर रहा है, बाद में ग्राफ पे बनाना है ये सभी पॉइंट्स को। दूसरे क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, जस्ट प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल बाय चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो चूजिंग द सूटेबल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं भी हमने डिस्टेंस कौन सा लेना है। हम जैसे हमारा जो ग्राफ पेपर दिया होता है, जैसे ये एक पॉइंट है और ये दूसरा, दो डार्क लाइंस जो होती हैं,
एक को हम 1 लिख लेते हैं, दूसरे को हम 2 लिख लेते हैं, 1 यूनिट का डिस्टेंस, मतलब कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही लिया हमने, अपनी मर्जी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये 1.-1.25 नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम इजीली लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और दूसरा 1.5 और तीसरा 0.2 ले लेंगे, मतलब कि हमने डिफरेंस बढ़ा दिया, 0.5 का 1 सेंटीमीटर लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 यूनिट, ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज वैसे तो सिंपल ही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 1.25 कैसे लोकेट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा जो आपका बनेगा ना, सिर्फ यही एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, ऐसे यहाँ पे होगा आपका 0 और यहाँ पे होगा आपका 1 और यहाँ पे होगा 2, -1 और -2, ठीक है। नीचे को होता है ना y का, वाई डैश एक्स एक्स डैश, तो सिर्फ यही वाला पॉइंट मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो बाकी कुछ नहीं लिख रहा। और मैं 0 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25, तो 1 -1 और 2 के बीच में होगी, ये तो पता चल रहा है। साइड में देखो, ये देखो हमारा ये -1 है, डार्क डार्क लाइन वी कैन से, एक डार्क लाइन, और ये उसके बाद आती है हमारी लाइट, सबसे लाइट वाली लाइन्स आती हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4 और पांचवी लाइन थोड़ी सी डार्क होती है, और इसके बाद फिर होता है पतली लाइन, फिर 1, 2, 3, 4 और फिर जो पांचवी लाइन फिर दोबारा आती है वो फिर से डार्क होती है ऊपर वाली डार्क लाइन की तरह, ग्राफ पेपर पे ऐसे ही होता है। तो ये हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। हमें चाहिए -1.25, हमें पता है कि यहाँ पे -1.5 होगा, -1, -1.5, -2 ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे क्या होता है -1.1 होगा, यहाँ पे होगा -1.2 और यहाँ पे होगा -1.3, -1.2 और -1.3 के भी बीच में यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इन दोनों 1, 2 और तीसरे पॉइंट, सेकंड और थर्ड पॉइंट के भी बीच में जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, -1.25। सो ग्राफ पेपर पे पेंसिल के साथ लोकेट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया जैसे, तो आपने क्या करना है, पहली लाइन छोड़ के, दूसरी लाइन छोड़ के, तीसरी लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो पॉइंट बचा है उसको ऐसे डार्क पॉइंट करके बताना है, ये हमारा 0.0, -1.25 है, थोड़ा एरो के साथ बता देना है, एरो मार के, कि ये हमारा 0, -1.25 पॉइंट है, बाकी तो इजीली बना ही लोगे आप, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, हमारा आज की जो वीडियो है वो भी खत्म होती है। सो होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा बहुत इजीली, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सबसे इजी चैप्टर यही है मैं मानता हूँ। वैसे तो मैथमेटिक्स में मेरे हिसाब से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से उसको समझें कि टीचर क्या बताना चाहता है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोस में जितने भी बच्चों के दिमाग में डाउट्स या आ सकते हैं या वो सोच रहे होंगे, या उनका मेंटेलिटी लेवल क्या है, आजकल गेम्स खेल खेल के बच्चों का जो मेंटेलिटी लेवल है वो थोड़ा सा लो हो चुका है, तो क्या है कि वो उनको थोड़ा समझ में दिक्कत आती है। अगर उनको उनके लेवल पर जाके समझाते हैं भी उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या उनके दिमाग में डाउट होगा, तो उसके हिसाब से अगर हम उसको समझाते हैं तो बच्चे बहुत ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। तो इस मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो बच्चों को समझाना चाहता हूँ इजीली समझा सकूँ, क्या मैं बच्चों को क्या नहीं समझ में लग रहा होगा तो मैं पूरा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। सो होप आपको मेरे जो मैं एफर्ट्स करता हूँ आप मुझे पूरा अप्रिशिएट करेंगे, मुझे पूरा सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरह से जैसे आप अभी तक करते आए हैं। हो सके तो जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जो भी घर बैठे हुए बच्चे कहीं हो सकता है किसी और स्कूल के भी हों, उनके पास वीडियोज़ ना पहुँच रही हूँ उनके टीचर्स के थ्रू, वो शायद हो सकता है अभी कैसे करते हैं पिक्चर्स क्लिक करके भेज देते हैं अभी बच्चों ये सॉल्व कर लो और बाद में फ़ोन पे समझाते हैं या ग्रुप कॉल में समझाते होंगे, सो दैट्स द अदर थिंग, या जूम, आजकल जूम ऐप भी चल रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि वीडियो लेक्चर जो होता है ना एक तरह से टीचर की प्रेजेंस की तरह होता है, कि टीचर प्रेजेंट है, हमें पता चल रहा है, हम उसको देख रहे हैं। तो जूम क्लास में क्या होता है, जैसे एक पेपर शीट दिख रहा होता है तो उस पे जो टीचर बोल रहा है वही देखना, बस पूछ नहीं सकते बीच में कुछ, ऐसे तो यहाँ पे वीडियो में भी नहीं पूछ सकते वैसे, बट क्या है कि आपके पास एक कमेंट सेक्शन है, कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं वो भी मुझसे डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो और भी व्यूअर्स हैं जो अदर देन माई स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उसके अलावा भी कोई और मेरे व्यूअर्स हैं, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो देन आई कैन गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन मैसेज मी ऑन दैट, वो आप स्क्रीनशॉट लेके मार्क करके मुझे बता दीजिए आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल कवनीर अकेडमी,
ये हमारे चैनल का नेम है। आप प्लीज इसे जितना हो सके आगे शेयर कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स लेके आइए। थैंक यू वेरी मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।